नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी NADT नागपुर में 54 भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों और 2 रॉयल भूटान सर्विस के अधिकारियों के 74वें बैच का दीक्षांत समारोह आज शाम 4 बजे निर्धारित किया गया है। उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सहमति प्रदान की है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी सहमति प्रदान की है। JB मोहपात्रा अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी और आयकर विभाग नागपुर के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी नागपुर भारत सरकार के भारतीय राजस्व सेवा आयकर अधिकारियों के लिए एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है। भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है। सीधी भर्ती वाले अधिकारियों को फील्ड ऑफिस में तैनात होने से पहले लगभग 16 महीने के प्रवेश प्रशिक्षण से गुजरना होता है। अधिकारियों को कर प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण देते हुए उन्हें आगे के करियर के लिए तैयार किया जाता है। विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की अग्रणी व शीर्ष संस्था नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मेहाड़िया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त आयुक्त अनंत राग को करदाता को GST रिटर्न फाइल संबंधी नोटिसों की जांच में नरमी बरतने हेतु प्रतिवेदन दिया। अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मेहाड़िया ने प्रतिवेदन देते हुए बताया कि GST विभाग द्वारा करदाता को वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 में टैक्स का देरी से भुगतान के लिए नोटिस भेजे गए हैं। GST के नया होने के कारण करदाता द्वारा GST के रिटर्न फाइल एवं अनुपालन करने में कई भूल चूक हो जाती है। साथ ही समय समय पर विभाग द्वारा GST के प्रावधानों में कई बदलाव किए जाते हैं, जिसके कारण भी करदाता को GST के अनुपालन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चेंबर के कोषाध्यक्ष सचिन पुनियानी ने कहा कि कई बार देखने में आया कि कई आदेशों को अंतिम रूप देने से पहले करदाता के लिए प्रस्तुत करने के लिए अच्छी सोच विचार नहीं किया जाता, जिसके परिणाम स्वरूप अपील के मामलों में वृद्धि हो रही है। CA रितेश मेहता ने कहा कि GST विभाग द्वारा करदाताओं के लिए लागू की गई अभय योजनाओं का लाभ करदाताओं ने उठाना चाहिए। शिवसेना सांसद कृपाल तुमाने ने सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अपनी सांसदी बचाने और मंत्री पद पाने के लिए उनकी यह सारी नौटंकी चल रही है। राणा का जाति प्रमाण पत्र फर्जी होने का निर्णय हाईकोर्ट ने दिया और उन पर 2 लाख रुपए का दंड भी ठोका है, इससे उनकी सांसदी खतरे में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के फिलहाल स्टे देने से येनकेन प्रकरण पद बचाने के लिए राणा दंपत्ति ने भाजपा के साथ मिलीभगत कर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास शुरू किया है। CM उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की नौटंकी भी की। तुमाने पत्रकार परिषद में बोल रहे थे, उनके साथ सुरेश साखरे, मंगेश काशीकर, जयदीप पेंडके व दीपक कापसे भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि नवनीत राणा अभिनेत्री है, इसलिए दिल्ली के इशारे पर कलाबाजी कर रही है। राणा दंपत्ति ने अमरावती में बड़ी जमीन हड़प रखी है, उसके कागजात मेरे पास है। इसके साथ ही एक बिल्डर से मिलीभगत कर निर्माण कार्य पर भी कब्जा लिया और उस पर इमारत निर्माण शुरू किया है। अमरावती के एक व्यक्ति की संस्था हड़प ली है। साखरे ने कहा कि राणा खुद को दलित न समझे। पेट्रोल डीजल घरेलू गैस सिलेंडर खाद्य तेल दवाइयां जीवनावश्यक व रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि के लिए केंद्र सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार बताते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस ने इसके विरोध में भोंगा आंदोलन किया। शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे और प्रशांत पवार के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। पेठे और पवार ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाने के कारण ही पूरे देश में महंगाई भड़की है। 2014 से इस सरकार ने महंगाई कम करने की बजाय बढ़ाई है। नागरिकों का जीना मुश्किल हो रहा है। ईंधन पर केंद्र सरकार ने कई तरह के कर लादे हैं, जिन्हें वह कम करने को तैयार नहीं है। पेठे ने कहा कि जनता को महंगाई की खाई में धकेलकर यह सरकार अदानी और अंबानी को मालामाल करने में लगी हुई है। प्रशांत पवार ने कहा कि जब तक भाजपा सत्ता में नहीं थी तब 25-50 पैसे भी पेट्रोल के भाव बढ़ते थे तो भाजपा नेता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया करते थे। आज भाजपा की सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। वेकोली प्रकल्प ग्रस्तों को नौकरी देने और भू संपादन के मुआवजा संबंधी प्रलंबित प्रकरणों का तत्काल निपटारा करे और उनकी अड़चनों का निराकरण करे, यह निर्देश पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने बैठक में दी। विभागीय आयुक्त कार्यालय में हुई बैठक में उन्होंने कोटोड़ी, पटकाखेड़ी और ऐरनगांव के प्रकल्पग्रस्तों के प्रलंबित मामलों को तत्काल निपटाने का निर्देश दिया।
विभागीय आयुक्त माधवी खोडे चौरे, जिल्हाधिकारी आर विमला, सहायक आयुक्त हरीश भांबरे, उपजिल्हाधिकारी शिवराज पडोले, वेकोली के मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार, संचालक संजय कुमार, सावनेर के उपविभागीय अधिकारी अतुल मेहत्रे, तहसीलदार प्रताप वाघमारे सहित अधिकारी व संबंधित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। केदार ने कहा कि वारिसों को नौकरी, मुआवजा आदि संबंधी आवेदनों की त्रुटियों को तत्काल सुधारकर संबंधितों को लाभ दिलाए। जो पात्र प्रकल्पग्रस्त है और उन्होंने नौकरी के लिए आवेदन नहीं दिया है तो उनकी गांव निहाय सूची तैयार करे, उसमें आवेदन नहीं करने के कारणों का भी उल्लेख करे। केदार ने कहा कि कुटोड़ी और ऐरन गांव में पीने के पानी की समस्या है, वेकुली इस संदर्भ में पर्यायी उपाय योजना करे, इसके लिए BDO समन्वय के साथ काम करे। भू संपादन की गई जमीन का मुआवजा देने में वेकुली को कोई अड़चन न हो तो वे जिलाधिकारी कार्यालय से समन्वय स्थापित कर त्रुटियों को दूर करे। केंद्रीय खान मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में गारेपालमा कोयला खान का स्वामित्व महानिर्मिति को दिया था। आज 2.5 साल बीत चुके हैं लेकिन महाविकास आघाड़ी की सरकार ने खदानों का अधिग्रहण नहीं किया है। आखिरकार राज्य में कोयला संकट पैदा हो गया। बावनकुली ने यह सनसनीखेज जानकारी उजागर की। उल्लेखनीय है कि राज्य ऊर्जा मंत्रालय का दावा है कि केंद्रीय सरकार सहयोग नहीं कर रही है, जिससे महाराष्ट्र में बिजली संकट पैदा हुआ है। बावनकुली ने कहा कि राज्य में कोयले की भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ की गारेपालमा सेक्टर 2 खदान को बिजली उत्पादक महानिर्मिति को दे दिया था। 31 मार्च 2015 को एक औपचारिक समझौता भी हुआ। कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद दिसंबर 2018 तक खदान से कोयला उत्पादन शुरू होना था, लेकिन उसके बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी और गारेपालमा खदान का अधिग्रहण ठप्प हो गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पहली बार महानिर्मिति को कोयला खदान का प्रत्यक्ष स्वामित्व मिलना था। इसे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा था। इसके अलावा करीब 23 लाख टन कोयले से 4000 मेगावाट बिजली पैदा करना संभव होता, लेकिन आंतरिक विवादों में उलझी महाविकास आघाड़ी सरकार ने खदानों का अधिग्रहण नहीं किया। 1 मई से 7 मई तक वाड़ी श्री बाके बिहारी मंदिर साहू लेआउट में श्रीमद भागवत कथा श्री भार्गव परिवार के द्वारा आयोजित किया गया। इसके बाद 7 दिन तक आचार्य श्री पंडित अमृत शर्मा द्वारा भागवत कथा विस्तृत तरीके से सुनाई जाएगी। कथा के स्थान के भूमि पूजन के अवसर पर मुख्य रूप से उत्तर भारतीय सभा के अध्यक्ष प्रवीण सिंह, PS तिवारी, हेमंत भार्गव, विशाल भार्गव, मानसी भार्गव, अंजनी मिश्रा, निधि तिवारी, सुनील मिश्रा, सोनालाल तिवारी उपस्थित थे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने CCI को अमेजोन के दोनों विक्रेताओं क्लाउडटेल और अपारियो के कार्यालयों पर छापेमारी करने के लिए बधाई दी है। यह CCI का एक बहुप्रतीक्षित एवं स्वागत योग्य कदम है, जो निश्चित रूप से कैट द्वारा अमेजोन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ की गई विभिन्न शिकायतों की पुष्टि करेगा। कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने CCI की कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों से कैट अमेजोन और फ्लिपकार्ट की कुप्रथाओं के खिलाफ कड़ी आपत्तियां उठा रहा है और विभिन्न अदालतों में अमेजोन और फ्लिपकार्ट की देरी की रणनीति के खिलाफ दृढ़ता से लड़ने के साथ साथ CCI के साथ शिकायत भी दर्ज की है। खंडेलवाल ने कहा कि छापेमारी के दौरान नारायण मूर्ति की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। कैट ने DG CCI द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री खंडेलवाल तथा राष्ट्रीय सचिव सुमित अग्रवाल ने एक संयुक्त बयान में मांग करते हुए कहा है कि दोनों विक्रेताओं के यहाँ शिकायतों से संबंधित कागज और कंप्यूटर में सभी रिकॉर्ड जब्त किए जाने चाहिए, ताकि इनके साथ कोई छेड़छाड़ न की जा सके। शंकरनगर स्थानीय हल्दीराम में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की शाखा नागपुर का 2022-24 की कार्यकारिणी का गठन संस्थापिका मोहिनी मोहंता, कुमकुम अग्रवाल, शारदा मेहाड़िया तथा पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. सरोज पसारी की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। 2004 से 2022 तक की सभी पूर्व अध्यक्षों ने मिलकर दीप प्रज्वलन व तथा प्रार्थना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व अध्यक्ष शकुंतला अग्रवाल ने नई अध्यक्ष सुषमा अग्रवाल को तथा पूर्व सचिव निर्मला गोयनका ने नई सचिव माया शर्मा को पिन एक्सचेंज कर पदभार सौंपा। उपाध्यक्ष मीना शर्मा व सीमा अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अलका राठी सह कोषाध्यक्ष अंजू मंत्री, सहसचिव अनिता डालमिया व रजनी अग्रवाल, प्रचार मंत्री कविता खेमका ने अपनी संपूर्ण टीम सहित पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम का सुगठित संचालन कविता खेमका द्वारा किया। स्वाति अग्रवाल तथा ममता अग्रवाल के स्वागत नृत्य ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम को सभी संयोजिकाओं ने तथा पूजा अग्रवाल ने सफलता प्रदान की। सचिव माया शर्मा के आभार प्रदर्शन, राष्ट्रगान एवं हाई टी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
कार्यक्रम में माया मेहड़िया, सुमन मालू, पूर्णिमा गोयल, माधुरी मोदी, अरुणा पसारी, उर्मिला अग्रवाल, गायत्री पनपालिया, आशा सारडा, रत्ना जेजानी, रितु सारडा की विशेष उपस्थिति रही। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 1,281 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,61,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 4 मामलों में 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 98,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 2 मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 850 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में गत दिनों विश्व पृथ्वी दिवस कार्यक्रम के साथ साथ समर कैंप का शुभारंभ स्थानीय प्रबंधन समिति निदेशक एडवोकेट चंद्रशेखर बरेठिया के शुभ हस्ते हुआ। माता सरस्वती की प्रतिमा को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कैंप का शुभारंभ हुआ। स्कूल की म्यूजिक टीचर के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्रा ने प्रमुख अतिथि चंद्रशेखर का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। प्राचार्य ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत पृथ्वी दिवस गीत की सराहना की एवं समर कैंप के आयोजन की भूमिका पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। विद्यार्थियों ने पृथ्वी दिवस पर निबंध लिखे एवं पीपीटी प्रस्तुत की। पूरे उत्साह से विद्यार्थियों ने विविध उपक्रमों में भाग लिया। प्रमुख अतिथि चंद्रशेखर ने स्कूल के उपक्रम की सराहना करते हुए पृथ्वी दिवस पर रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की। समर कैंप में योगा, मेडिटेशन, व्यक्तित्व विकास, काव्य पाठ, समूह नृत्य, गायन स्पर्धा, सुंदर हस्ताक्षर लेखन, बुलेटिन मेकिंग कार्यशाला, ऑन स्पॉट ड्रॉइंग, पेंटिंग स्पर्धा, इंडोर गेम्स सहित कई गतिविधियां सम्मिलित की। पुरस्कृत विद्यार्थियों को समापन समारोह के दिन प्रशस्ति पत्र एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल के सभी शिक्षकगण समर कैंप के सफलतार्थ अथक प्रयास कर रहे हैं। नैरोगेज रेल संग्रहालय मोतीबाग में विश्व हेरिटेज सप्ताह के अवसर विभिन्न कार्यक्रम के अंतर्गत जनजागृति हेतु एक हेरिटेज वॉक, मोतीबाग एवं नैनपुर में बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, मोतीबाग में रेल हेरिटेज संबंधित आगंतुकों में ज्ञान वृद्धि हेतु एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा रेल धरोहर एवं जलवायु परिवर्तन विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया था, जिसका रेल संग्रहालय में आए अधिकारी, कर्मी तथा आगंतुकों ने बड़े उत्साह से इस कार्यक्रम का आनंद लिया एवं इस विश्व हेरिटेज सप्ताह को सफल बनाया। विश्व हेरिटेज सप्ताह का सफल आयोजन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल के मार्गदर्शन में तथा वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता गुंजन वासनिक एवं सहायक मंडल यांत्रिक अभियंता रवि नेवाले अथक प्रयासों से सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। हमारी धरोहर को हमारे ध्यान, समय और प्रयास की आवश्यकता है, अतः हम सबको मिलकर इसे संरक्षित करना है। हमारे आज के प्रयासों से संरक्षित धरोहर भावी पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य भेंट होगी। हम सभी को अपनी धरोहर को संरक्षित रखने की शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी धरोहर ही हमारे विश्व को एक खास पहचान देती है। हम सब इस धरोहर का एक हिस्सा है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में वर्धा साहित्य महोत्सव के दूसरे दिन के सत्र में चर्चा का केंद्र रही कृष्ण की आत्मकथा। साहित्य में महानायकों की भूमिका पर केंद्रित यह सत्र विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक विद्यापीठ स्थित गुर्रम जाशुआ सभागार में आयोजित किया गया। मनु शर्मा द्वारा रचित इस उपन्यास पर आधारित सत्र की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफेसर प्रकाश बर्तुनिया ने की। सत्र में नवनीत कुमार ने साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करने पर जोर दिया। धनंजय कुमार सिंह ने दृढ़ता और आत्मविश्वास के लिए कृष्णा से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। डॉक्टर रवि कुमार ने बताया कि कृष्णा की आत्मकथा में सभ्यता के प्रति सृजनात्मक और समाधानकारी उत्तर पाए जा सकते हैं। डॉक्टर अशोकनाथ त्रिपाठी ने उपन्यास की चर्चा करते हुए इसे शोधार्थियों के लिए उपयोगी बताया है। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर प्रकाश बर्तुनिया ने कहा कि ज्ञान और सत्य के संदर्भ में महानायक हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। देश की सभी दिशाओं में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों ने मनुष्य को प्रेरणा प्रदान की है। महानायकों का जीवन दर्शन व्यक्ति की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होता है। सत्र का संचालन संस्कृत विभाग की सहायक आचार्य डॉक्टर जगदीश नारायण तिवारी ने किया तथा जनसंचार विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे ने आभार व्यक्त किया। महमुदा शिक्षण महिला और ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था नागपुर द्वारा संचालित सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता स्वर्गीय एकनाथ गायकवाड़ की पहली पुण्यतिथि मनाई और इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अनिस अहमद ने दिवंगत नेता स्वर्गीय एकनाथ गायकवाड़ को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने भाषण में उनके सकारात्मक गुणों की अत्यधिक प्रशंसा की और उन्हें जनता का सच्चा नेता कहा। स्वर्गीय गायकवाड़ 1999 से 2004 तक महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री और चंद्रपुर के पालक मंत्री
मंत्री थे और उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक न्याय, श्रम और उच्च और तकनीकी शिक्षा जैसे विभिन्न विभागों को सफलतापूर्वक संभाला। विदर्भ के विकास में उन्होंने अमूल्य योगदान दिया। वे प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। उनके आचार, विचार और व्यवहार ने पूरे देश को नई दिशा दी। इस कार्यक्रम में डॉक्टर एस एम राजन, डॉक्टर रवि कलसाइत, मदन कड़वे, सेंट्रल इंडिया फार्मेसी कॉलेज से सागर ठाकरे, सेंट्रल इंडिया नर्सिंग कॉलेज से डॉक्टर बीना जॉय, सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन से डॉक्टर स्वाति राउत, सेंट्रल इंडिया वुमेन्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन से डॉक्टर सीमा चिखले, सेंट्रल इंडिया अध्यापक विद्यालय से डॉक्टर यास्मिन सिद्दीकी, DDUGKY के निदेशक तुषार मेश्राम आदि उपस्थित थे। महिला गृह उद्योग के नाम पर राज्य भर में हजारों महिलाओं से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हुई है और इस प्रकरण की आर्थिक अपराध शाखा के विशेष जांच दल से जांच कराने और इस घोटाले के मुख्य सूत्रधार अजित हिवरे को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक संजय कुटे ने गुरुवार को की। इस मांग का निवेदन राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को दिया गया और धोखाधड़ी की शिकार हुई महिलाओं को न्याय प्राप्त होने तक भाजपा शांत नहीं बैठेगी, ऐसा संकल्प विधायक कुटे ने व्यक्त किया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई पत्रकार परिषद में वे बोल रहे थे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी इस अवसर पर उपस्थित थे। विधायक कुटे ने कहा कि अजित हिवरे ने राधाकृष्ण सेल्स कॉरपोरेशन नामक कंपनी के माध्यम से महिला को स्वयं रोजगार देने का व्यवसाय शुरू किया। मसाला पैकिंग व्यवसाय, बटन तैयार करने वाली मशीन, आटा मशीन की बिक्री मल्टी लेवल मार्केटिंग के तरीके से करने के लिए लगभग 26 जिलों में इस कंपनी की शाखाएं खोली गई है। जिले जिले में महिलाओं को डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्ति करके व्यवसाय शुरू किया गया, लेकिन साथ ही साथ धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए जिसकी जाँच होनी चाहिए और आरोपियों को होनी चाहिए। नागपुर शहर तथा नागपुर ग्रामीण के पुलिस भवन का आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार के हाथों लोकार्पण किया जाएगा। भाजपा शिवसेना की सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिविल लाइन स्थित पुराने पुलिस आयुक्तालय की जगह आधुनिक पुलिस भवन के निर्माण की आधारशिला रखी थी। करीब 4 साल की अवधि में इसका कार्य पूर्ण हुआ है। इस लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल करेंगे। प्रमुख अतिथि के तौर पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, क्रीडा मंत्री सुनील केदार, गृह राज्य मंत्री सतेश पाटिल तथा गृह राज्य मंत्री शंभुराज देसाई उपस्थित रहेंगे। नागपुर स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी NADT में आज होने वाले IRS अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह में शिरकत करने के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी गुरुवार शाम 7 बजे नागपुर पहुंचे। यहां हवाई अड्डे पर विभागीय आयुक्त माधवी खोड़े चौरे, नागपुर पुलिस आयुक्त मितेश कुमार, जिलाधिकारी आर विमला, मनपायुक्त राधाकृष्णन भी, विशेष पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर छेरिंग दोरजे, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर, पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी व अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आज नागपुर के राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी NADT ने भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की प्रमुख उपस्थिति में IRS अधिकारियों का 74वां प्रशिक्षण समापन समारोह होगा। ये कार्यक्रम आज दोपहर 4 बजे से प्रारंभ होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी आज सुबह नागपुर पहुंच चुके हैं। वे भी NADT के कार्यक्रम में सहभागी होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर गुरुवार को नागपुर पहुंचे। उनका नागपुर एयरपोर्ट पर भाजपा प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, भाजपा नागपुर महानगर प्रोटोकॉल प्रमुख सुभाष कोटेचा, सह प्रमुख गजेंद्र पांडे, विनय जैन आदि भारतीय जनता पार्टी नेता, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पिछले 2 दिनों से जहां महानिर्मिति ने रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है, वहीं गुरुवार को महानिर्मिति अपने प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए एक और नए रिकॉर्ड उत्पादन के स्तर पर पहुंच गई है। गुरुवार को सुबह पीक डिमांड सेशन में महानिर्मिति ने अपने थर्मल पावर प्लांट से कुल 8018 मेगावाट थर्मल पावर जनरेशन हासिल किया। राज्य में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत द्वारा महानिर्मिति को दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार 8000 मेगावाट के मिशन को ध्यान में रखते हुए महानिर्मिति ने इस लक्ष्य को बहुत जल्द प्राप्त कर लिया है। पिछले 60 वर्षों में नया रिकॉर्ड चंद्रपुर कोल पावर स्टेशन ने 26 अप्रैल को लगातार सबसे अधिक बिजली उत्पादन दर्ज करने के बाद 27 अप्रैल को महानिर्मिति ने सभी 27 थर्मल इकाइयों से बिजली का निर्माण कर पिछले 60 वर्षों का रिकॉर्ड बनाया है। इस पृष्ठभूमि में गुरुवार को उत्कृष्ट प्रदर्शन की हैट्रिक दर्ज की गई है, जो महानिर्मिति के थर्मल संच से कुल 8000 मेगावाट के उत्पादन को पार कर गई है। महानिर्मिति के इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन पर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने महानिर्मिति के व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंडारे तथा उनकी संपूर्ण टीम का अभिनंदन किया। एसटी महामंडल ने हड़ताल से लौटे कर्मचारियों के आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था शुरू करने का प्लान किया है। अधिकारियों की माने तो अब दुर्गम ग्रामीण
क्षेत्रों में भी बसें चलाई जाएगी ताकि आम लोगों को परिवहन की सुविधा मिल सके। वर्तमान में एसटी प्रबंधन 370 से 380 बसें रोजाना चला रहा है। ये बसें घाट रोड, गणेशपेट, इमामबाड़ा, वर्धमान नगर, काटोल, सावनेर, उमरेड और रामटेक से कई ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अभी उसके कई कर्मचारी अवकाश पर चल रहे हैं। उनके नौकरी ज्वाइन करने के बाद बसों की संख्या करीब 400 तक पहुंच जाएगी। इसके साथ ही ज्यादा दूरी की यात्रा के लिए शिवशाही बसें भी शुरू की गई है, लेकिन अभी इसकी संख्या 17 से 20 के आसपास है। इसे बढ़ाने के प्रयास भी तेजी से किए जा रहे हैं। यात्रा पर भेजने से पहले बसों की सर्विस पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में पूरे देश में बसों के साथ दूसरे वाहनों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। इसलिए प्रबंधन नहीं चाहता कि बसों के मेंटेनेंस में किसी भी प्रकार की कोई खामी रहे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।